Hello students, today I shall teach you the fifth chapter of your supplementary reader, which is Princess September. It is a very interesting story and I hope you all will really enjoy. So listen to the explanation very carefully. Now, the king and queen of Siam had many daughters, and the queen said that it confused her to remember so many names. Now, in this story, इस कहानी में एक राजा और एक रानी है, सियाम एक जगह है वहाँ के, उनकी बहुत सारी बेटियाँ थीं, और क्वीन कहती थी कि वो कन्फ्यूज़ हो जाती हैं उनके नामों में. तो देखते हैं इसका उन लोगों ने क्या उपाय निकाला. वन डे द किंग डिसाइडेड टू कॉल देम जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, दो ऑफ कोर्स इन सियामीज़ जो सियाम की लैंग्वेज है, उसी लैंग्वेज में किंग ने डिसाइड किया कि अपनी डॉटर्स को महीनों के नाम पे बुलाएंगे, जैसे जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च, सियामीज़ में जो बोला जाता है जनवरी, फेब्रुअरी, मार्च को उन्हीं नामों से अपनी बेटियों को बुलाएंगे. टिल ही केम टू द यंगेस्ट होम ही कॉल सेप्टेम्बर. जब तक वो अपनी यंगेस्ट सबसे छोटी लड़की पे आए, तो उसका नाम सबसे छोटी वाली का था सेप्टेम्बर. तो द किंग ऑफ सियाम हैड अ पिक्यूलियर हैबिट. ये जो किंग थे सियाम की, इनकी एक बहुत ही पिक्यूलियर, एक अजीब सी हैबिट थी इनकी. Instead of receiving gifts on his birthday, he gave them. अब हम लोगों की बर्थडे होती है तो हम लोगों को गिफ्ट मिलते हैं उस दिन पे. तो इन किंग की क्या हैबिट थी, ये अपनी बर्थडे पे गिफ्ट दिया करते थे. One year on his birthday, एक साल उनकी बर्थडे पे, not having anything else handy, कुछ भी ऐसा दे, कभी कभी ऐसा नहीं होता है कि कोई गिफ्ट देना होता है मगर समझ में नहीं आता, उस वक्त आपके पास नहीं होता है कोई चीज़, तो कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी या समझ में नहीं आ रहा था उन्हें क्या गिफ्ट में दे. ही गेव ईच ऑफ हिज डॉटर्स अ ग्रीन पैरट इन अ गोल्डन केज. उन्होंने अपनी लड़कियों को, नौ लड़कियों को ग्रीन पैरट दिया एक गोल्डन केज में, सोने के पिंजरे में. तो द प्रिंसेसेस वर वेरी प्राउड ऑफ देयर पैरट्स एंड दे स्पेंड एन आवर एवरी डे इन टीचिंग देम टू टॉक. अब प्रिंसेसेस बहुत खुश हुई, सारी राजकुमारियां बहुत खुश हुई पैरट से, और रोज एक घंटा निकालती थी वो पैरट्स को बोलना सिखाने में. आप सबको पता है कि पैरट्स जो हैं दे कैन टॉक, अगर उनको सिखाया जाए तो वो बोल सकते हैं. तो प्रिंसेसेस रोज एक घंटा निकालती थीं अपने तोतों को बोलना सिखाने में. प्रेजेंटली ऑल द पैरट्स कुड से गॉड सेव द किंग. नाउ जैसे प्रजा बोलती है वैसे ही सारे पैरट्स बोलते थे गॉड सेव द किंग. एंड सम ऑफ देम कुड से प्रिटी पॉली इन नो लेस देन 7 ओरिएंटल लैंग्वेजेस. और उनमें से कुछ बोल सकते थे प्रिटी पॉली, 7 ओरिएंटल, 7 लैंग्वेजेस में प्रिटी पॉली को बोल सकते थे. ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पेज, नंबर 35. बट वन डे व्हेन प्रिंसेस सेप्टेम्बर, जो नाइन्थ डॉटर थी, यंगेस्ट डॉटर थी सेप्टेम्बर, वेंट टू से गुड मॉर्निंग टू हर पैरट, शी फाउंड इट लाइंग डेड एट द बॉटम ऑफ इट्स गोल्डन केज. एक दिन क्या होता है, प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो गुड मॉर्निंग करने अपने पैरट को जाती है, तो वहाँ पे वो पैरट जो है वो उसको मरा हुआ मिलता है अपने गोल्डन केज के, अपनी गोल्डन केज में मरा हुआ मिलता है. शी बर्स्ट इन टू अ फ्लड ऑफ टीयर्स. फ्लड ऑफ टीयर्स है ये इसलिए कहा गया है, वो रोने लग गई कस कस के प्रिंसेस जो थी, तो इसलिए कहा गया क्योंकि वो बहुत
जोर से कस के रो रही थी। एंड नथिंग दैट हर मेड्स ऑफ ऑनर कुड से कम्फर्टेड हर। और उनकी जो मेड्स थी, जो क्योंकि वो प्रिंसेस थी इस वजह से यहाँ पे मेड्स को मेड्स ऑफ ऑनर कहा गया है, उनकी किसी भी बात से, जब हम रोते हैं, जब कोई भी बच्चा रोता है तो उसको चुप कराने के लिए बहुत सारी बातें ऐसी कही जाती हैं कि शायद बच्चा चुप हो जाए। ऐसे ही प्रिंसेस को चुप कराने के लिए उनकी मेड्स ने काफ़ी बातें उन बोली कि शायद वो चुप हो जाएं। शी क्राइड सो मच दैट द मेड्स ऑफ ऑनर्स नॉट नोइंग व्हाट टू डू। मगर वो चुप नहीं हुई प्रिंसेस। टोल्ड द क्वीन, फिर उन्होंने क्वीन को बता दिया, रानी को बता दिया। एंड द क्वीन सेड इट वॉज स्टफ एंड नॉनसेंस एंड द चाइल्ड हैड बेटर गो टू बेड विदाउट एनी सपर। उसने कहा क्वीन ने कि ये सब जो बातें हैं ये नॉनसेंसिकल हैं, इनका कोई मतलब नहीं है, और सो जाने दो प्रिंसेस को बिना सपर का, मतलब होता है रात का खाना, तो बिना डिनर को सपर भी कहते हैं, उनको बिना खाना खाए सो जाने दो। द मेड्स ऑफ ऑनर वॉन्टेड टू गो टू अ पार्टी। वो जो मेड्स ऑफ ऑनर थी वो पार्टी में जाना चाहती थी। सो दे पुट प्रिंसेस सेप्टेम्बर टू बेड, तो उन्होंने प्रिंसेस सेप्टेम्बर को सुलाया। एंड क्विकली एज दे कुड एंड लेफ्ट बाई हर बाई हर सेल्फ, और उसको उस पर उसके हाल पे ही छोड़ दिया। एंड वाइल शी ले इन हर बेड, और जब वो अपने बेड में लेटी हुई थी, क्राइंग स्टिल इवन दो शी फेल्ट रादर हंग्री, रो रही थी जबकि उनको बहुत कस के प्रिंसेस को भूख लगी थी। शी सॉ अ लिटिल बर्ड हॉप इन टू हर रूम, तब उन्हें एक छोटी सी चिड़िया की आवाज़ आई जो उनके कमरे में हॉप करते करते आ गई थी। शी वाइप्ड हर टीयर्स एंड सैट अप, उन्होंने अपने आंसू पोछे और बैठ गई। देन द लिटिल बर्ड बिगैन टू सिंग एंड ही सैंग अ ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑल अबाउट द लेक इन द किंग्स गार्डन। फिर उन्होंने एक ब्यूटिफुल गाना गाया बर्ड ने कि किंग के गार्डन के बारे में, विलो ट्रीज के बारे में, दैट लुक्ड एट देमसेल्व्स इन द स्टिल वाटर। जो आपने देखा होगा पेड़ की परछाई जब पानी मूव नहीं कर रहा होता तो उस पर पड़ती है, तो उस गाने में यही था। एंड द गोल्ड फिश दैट ग्लाइडेड इन एंड आउट ऑफ द ब्रांचेस दैट वर रिफ्लेक्टेड इन इट, और वहाँ पे जो परछाई में गोल्ड फिश दिख रही थी पानी में। व्हेन ही हैड फिनिश्ड द प्रिंसेस वाज नॉट क्राइंग एनी मोर एंड शी क्वाइट फॉरगॉट दैट शी हैड नो सपर। दैट वाज अ नाइस सॉन्ग शी सेड, तब उसने कहा प्रिंसेस ने, जब उस बर्ड ने गाना गाया कि ये तो बहुत ही अच्छा गाना था। द लिटिल बर्ड गेव हर अ बो, लिटिल बर्ड ने बो किया। जब क्या होता है, आपने देखा होगा कई मूवीज़ में कि जब राजा महाराजाओं के आगे कुछ करते हैं प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद सिर झुकाते हैं, तो सिर झुकाने को बो करना भी कहते हैं। वुड यू केयर टू हैव मी इन द प्लेस ऑफ योर पैरट, उसने कहा बर्ड ने, क्या आप मुझे अपने तोते की जगह पे रख लेंगी। इट्स ट्रू दैट आई एम नॉट सो प्रिटी टू लुक एट, बर्ड ने कहा मैं देखने में इतना सुंदर नहीं हूँ, बट ऑन द अदर हैंड आई हैव अ मच बेटर वॉइस, मगर मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है। प्रिंसेस सेप्टेम्बर क्लैप्ड हर हैंड्स विद डिलाइट, प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने ताली बजाई खुशी से। एंड देन द लिटिल बर्ड हॉप्ड ऑन द एंड ऑफ हर बेड एंड सैंग हर टू स्लीप, और फिर उस छोटी सी चिड़िया ने वो गई उसके बेड के पास कोने में और गाना गाया और प्रिंसेस सो गई। व्हेन शी अवोक, जब वो अगले दिन उठी, द लिटिल बर्ड वॉज स्टिल देयर, वो छोटी सी चिड़िया फिर भी वहीं थी। एंड एज शी ओपन्ड हर आइज ही सेड, और जैसे ही उसने आंखें खोली बोली गुड मॉर्निंग, द मेड्स ऑफ ऑनर ब्रॉट इन हर ब्रेकफास्ट, जो प्रिंसेस की मेड्स थी वो उनके लिए ब्रेकफास्ट लेकर आईं। एंड ही एट राइस
आउट ऑफ हर हैंड एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। अब यहाँ पे क्या हुआ, वो जो बर्ड थी उसने राइस खाई प्रिंसेस के हाथों से, हाथों में लेकर, हाथों में जैसे लिया हुआ है उसको बर्ड ने खाया। एंड ही हैड हिज बाथ इन हर सॉसर। सॉसर का मतलब होता है, आपने कप देखा होगा, जो कप होते हैं चाइना, बोन चाइना के, उनमें एक छोटी सी प्लेट होती है, तो उस प्लेट को सॉसर कहते हैं, ये छोटी प्लेट को सॉसर कहते हैं। तो सॉसर में उसने नहाया। ही बिगैन टू सिंग अगेन सो ब्यूटिफुली, वो फिर से इतनी खूबसूरती से गाने लग गया वो बर्ड, दैट द मेड्स ऑफ ऑनर वर क्वाइट सरप्राइज्ड। उसका गाना सुन के जो मेड्स थी, मेड्स ऑफ ऑनर थी प्रिंसेस की, वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो गई। फॉर दे हैड नेवर हर्ड एनीथिंग लाइक इट, क्योंकि उन्होंने कभी अब ऐसा गाना नहीं सुना था। एंड प्रिंसेस सेप्टेम्बर वर वेरी प्राउड एंड हैप्पी। प्रिंसेस सेप्टेम्बर बहुत इस बात से उन्होंने प्राउड महसूस किया, बहुत गर्व महसूस किया और बहुत खुश हुई। नाउ आई वॉन्ट टू शो यू टू माई 8 सिस्टर्स, सेड द प्रिंसेस। फिर प्रिंसेस ने उस बर्ड को बोला कि मैं तुमको अपनी 8 सिस्टर्स को दिखाना चाहती हूँ। शी स्ट्रेच्ड आउट द फर्स्ट फिंगर ऑन हर राइट हैंड सो इट सर्व्ड एज अ पर्च एंड द लिटिल बर्ड फ्लू डाउन एंड सैट ऑन इट। तो उन्होंने अपनी एक फिंगर निकाली प्रिंसेस ने अपने राइट हैंड की, तो वो चिड़िया उस पर बैठ गई। देन फॉलोड बाई हर मेड्स ऑफ ऑनर शी वेंट थ्रू द पैलेस एंड कॉल्ड ऑन ईच ऑफ द प्रिंसेस। वो गई अपने मेड्स ऑफ ऑनर, उनको उनकी मेड्स ऑफ ऑनर उनको फॉलो कर रही थी, और वो पैलेस में गई, थ्रू द पैलेस, पैलेस के थ्रू गई, और वहाँ पे उन्होंने अपनी सारी बहनों को, प्रिंसेसेस को बुलाया। एंड फॉर ईच ऑफ देम द लिटिल बर्ड सैंग अ डिफरेंट सॉन्ग, और हर बहन के लिए उस छोटी सी बर्ड ने अलग गाना गाया। बट द पैरट्स कुड ओनली से गॉड सेव द किंग, मगर पैरट्स, वो बर्ड तो इतने ब्यूटीफुल गाने गा रही थी, और पैरट्स क्या कर पा रहे थे, सिर्फ इतना ही बोल पा रहे थे, गॉड सेव द किंग एंड प्रिटी पॉली। एट लास्ट शी शोड द लिटिल बर्ड टू द किंग एंड द क्वीन। आखिरी में उसने अपने पेरेंट्स को, किंग और क्वीन जो थे, उनको उस बर्ड से मिलवाया। दे वर सरप्राइज्ड एंड डिलाइटेड, वो भी बहुत खुश हुए और बहुत आश्चर्य में पड़ गए कि ये चिड़िया इतने अच्छे गाने कैसे गा लेती है। आई न्यू आई वॉज राइट टू सेंड यू टू बेड विदाउट एनी सपर। तब क्वीन बोली, मैं सही थी तुमको बिना खाना खाए सुला देने में। दिस बर्ड सिंग्स मच बेटर दैन द पैरट्स, सेड द किंग। और किंग बोले कि ये चिड़िया जो है, ये तो इन तोतों से, पैरट से बहुत अच्छा गाना गाती है कंपैरिजन में। आई शुड हैव थॉट यू गॉट क्वाइट टायर्ड ऑफ हियरिंग पीपल से गॉड सेव द किंग, सेड द क्वीन। तो क्वीन इस बात पे बोली कि आप काफ़ी परेशान हो गए होंगे ये सुनकर, ये पैरट्स तो बस एक ही दो बातें बोलते रहते हैं, गॉड सेव द किंग। आई कांट थिंक वाई दोज गर्ल्स वॉन्ट टू टीच देयर पैरट्स टू से टू। तो वो बोली क्वीन कि पता नहीं ये लड़कियाँ ये बार बार इस पैरट से ये क्यों बुलवाना चाहती हैं। द सेंटिमेंट इज एडमायरेबल, सेड द किंग। तो किंग ने कहा कि उनके ये जो फीलिंग है, ये जो सिखाती हैं, इस ये उनको अच्छा लगता है। एंड आई नेवर माइंड हाउ ऑफन आई हेयर इट, और मुझे ये सुनने में बिल्कुल ख़राब नहीं लगता, आई लाइक हियरिंग इट। बट आई डू गेट टायर्ड ऑफ हियरिंग दोज पैरट्स से प्रिटी पॉली, मगर वो पैरट्स बार बार प्रिटी पॉली कहते हैं, ये बात से मैं बहुत थक चुका हूँ सुन सुन के। दे से इट इन 7 डिफरेंट लैंग्वेजेस, सेड द प्रिंसेसेस। तो प्रिंसेसेस ने बोला वो 7 अलग अलग भाषाओं में बोलते हैं गॉड सेव द किंग और प्रिटी पॉली। आई डेयर से दे डू, तो किंग बोले हाँ करते तो हैं ऐसा। बट इट रिमाइंड्स मी टू मच ऑफ माई काउंसलर्स, तो उन्होंने कहा कि ये बातें मुझे अपने काउंसलर्स, जो जो उनके मिनिस्टर्स थे,
वो उनकी याद दिला देती, क्योंकि मिनिस्टर्स भी ऐसे ही बोलते हैं. दे से द सेम थिंग इन 7 डिफरेंट वेज एंड इट नेवर मीन्स एनीथिंग इन एनी वे दे सेड. किंग बोले कि मेरे मिनिस्टर्स भी ये बोलते हैं और 7 अलग अलग तरीकों से बोलते हैं और उनकी इस बात का कोई मतलब नहीं होता. द प्रिंसेसेस वर वेक्स्ड एट दिस. इस बात से प्रिंसेसेस थोड़ी सी परेशान हो गई. एंड द पैरट्स लुक वेरी ग्लम इंडीड. और पैरट जो था वो बहुत ही दुखी लग गए. बट प्रिंसेस सेप्टेम्बर रैन थ्रू ऑल द रूम्स ऑफ द पैलेस. मगर प्रिंसेस सेप्टेम्बर जो थी वो पैलेस के सारे रूम्स को क्रॉस करते हुए निकली, सिंगिंग लाइक अ लार्क, और वो गा रही थी. वाइल द लिटिल बर्ड फ्लू राउंड एंड राउंड हर सिंगिंग लाइक अ नाइटिंगेल. और वो जो छोटी सी चिड़िया थी, बर्ड थी, वो उनके इर्द गिर्द उड़ रही थी और नाइटिंगेल, सबसे खूबसूरत गाना नाइटिंगेल गाती है, तो नाइटिंगेल की तरह गा रही थी. थिंग्स वेंट ऑन लाइक दिस फॉर सेवरल डेज. ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं कई दिनों तक. एंड देन द 8 प्रिंसेस पुट देयर हेड्स टुगेदर. फिर कई दिनों तक तो ऐसे चलता रहा. फिर 8 प्रिंसेसेस जो बाकी की बहनें थीं प्रिंसेस सितंबर की, उन्होंने एक यूनियन टाइप का बना लिया. They went to September and sat down in a circle round her. वो September के पास गए और उसके पास पास एक circle बना लिया. My poor September, they said. उन्होंने कहा, बेचारी September. We are sorry for the death of your beautiful parrot. हम तुम्हारे सुंदर parrot की death के लिए बहुत दुखी हैं. It must be dreadful for you not to have a pet bird as we have. और तुम्हारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा ये बात तुमको खटकती होगी कि तुम्हारे पास pet bird नहीं है हमारी तरह. So we have all put our pocket money together. तो हम सब ने, 8 बहनों ने तुम्हारे लिए pocket money अपनी इकट्ठा करी है. And we are going to buy you a lovely green and yellow parrot. और हम तुम्हारे लिए बहुत ही सुंदर green और yellow color का parrot ले रहे हैं. Thank you for nothing. अब इस बात पे princess बोली कि बहुत बहुत किसी चीज़ के लिए भी thank you नहीं, मुझे नहीं चाहिए. उन्होंने एक तरीके से ये बोला, I have a pet bird which sings the most charming songs to me. And I don't know what on earth I should do with a green and yellow parrot. उसने कहा कि मेरे पास एक चिड़िया है जो बहुत सुंदर गाने गाती है और मैं ग्रीन और येलो पैरट का क्या करूँगी. तो उन्होंने बोला, सिस्टर्स ने, वेल माई डियर, इट्स एब्सर्ड टू टॉक ऑफ योर बर्ड वेन द लिटिल फेलो फ्लाइज इन एंड आउट जस्ट एज ही लाइक्स. They looked round the room and raised their eyebrows. अब उसकी प्रिंसेस जो बाकी बहनें थीं वो उस बर्ड को पसंद नहीं करती थी. वो प्रिंसेस से जेलस भी थी. इस वजह से वो चाहती थी कि वो बर्ड वहाँ से चली जाए. तो उन्होंने बोला कि तुम्हारी बर्ड के बारे में बात करना तो बेकार है, वो तो जैसे मर्जी आए इधर उधर उड़ती रहती है कमरे में. डू यू माइंड आर आस्किंग वेयर योर बर्ड इज नाउ. तब उन सब ने पूछा कि तुम्हारी वो चिड़िया जो तुम्हारी पेट बर्ड है वो कहाँ है इस वक्त. ही हैज गॉन टू पे अ विजिट टू हिज फादर इन लॉ. तो प्रिंसेस सितंबर बोली कि वो अपने फादर इन लॉ का मतलब होता है वाइफ के फादर, उसके मतलब आप हिंदी में ससुर कहते हैं उसे. ओके, तो वो गया हुआ है. एंड व्हाट मेक्स यू थिंक ही विल कम बैक. तो प्रिंसेस बोली, उसकी बहनें बोली कि तुमको ऐसा क्यों लगता है कि वो वापस आएगा. ही ऑलवेज डज कम बैक. तो सितंबर बोली, वो हमेशा वापस आता है. वेल माई डियर, तब उन्होंने कहा,
ओ डियर, मेरी प्यारी बहना, इफ़ यू टेक आर एडवाइस यू वॉन्ट रन एनी रिस्क लाइक दैट. इफ ही कम्स बैक एंड माइंड यू इफ ही डज यू विल बी लकी. पॉप हिम इन टू द केज एंड कीप हिम देयर. दैट्स द ओनली वे यू कैन बी श्योर ऑफ हिम. उसने कहा अगर बाई चांस वो वापस आ जाती है बर्ड तो तुम उसको केज में बंद कर देना, क्योंकि तुम उसी बारे में उसके बारे में तभी तुम पता लगा पाओगी जब तुम उसको केज में बंद कर दोगी. बट आई लाइक टू हैव हिम फ्लाई अबाउट द रूम. तब प्रिंसेस सितंबर बोली मुझे अच्छा लगता है वो मेरे कमरे में इधर उधर फ्लाई करती रहती है. तो सेफ्टी फर्स्ट, इस बात पे बहनें बोली उसकी कि पहले सेफ्टी आती है. उन्होंने एक तरीके से बोला, इस तरीके से बोला कि तुम्हें ये करना ही, थ्रेटनिंग वे में. मैंने आपको बताया था कि प्रिंसेस की सिस्टर्स उससे जेलस थीं, उसकी बर्थ से भी जेलस थीं. तो उसको एक धमकी देते हुए बोले कि पहले सेफ्टी आती है, तुम्हें ऐसा करना ही पड़ेगा, तुम्हें उसको केज में रखना ही पड़ेगा. दे गॉट अप एंड वॉकड आउट ऑफ द रूम शेकिंग दे हेड्स एंड दे लेफ्ट सेप्टेम्बर वेरी अनईजी. फिर उन्होंने सेप्टेम्बर को वहीं पर छोड़ दिया. सेप्टेम्बर सोच रही थी. It seemed to Princess September that her little bird had been away a long time. Princess September को लगा कि उनकी वो जो little bird, जो छोटी सी चिड़िया थी, वो काफ़ी time से दूर है. Something might have happened to him. उसे कुछ लगता है हो गया है. Princess September को ऐसा लग रहा था. What with hawks and with snares, you never knew what trouble he might get into. उसको कोई बड़ी सी hawk, जो एक बहुत बड़ी बर्ड होती है, या स्नेर मिल गया हो जिसने उसको कुछ नुकसान ना पहुंचा दिया, या वो कोई मुश्किल में ना हो. बिसाइड्स ही माइट फॉरगेट हर. और उसके मन में, प्रिंसेस सितंबर के मन में ये भी ख्याल आया कि शायद वो उसको भूल गया हो, और ही माइट टेक फैंसी टू समबडी एल्स, या उसको कोई और पसंद आने लग गया हो. दैट वुड बी ड्रेडफुल. और ये बहुत ख़राब होगा ऐसा हुआ होगा तो. She wished he was safely back again. वो सोच रही थी कि वो हिफाजत से उसके पास वापस आ जाए. Suddenly September heard a tweet tweet just behind her ear and she saw the little bird sitting on her shoulder. तभी प्रिंसेस September को एक birds वाली जो tweet sound होती है, tweeting sound होती है, वो सुनाई पड़ी और उन्होंने देखा कि वो bird उनके shoulder पे बैठी है. He had come in so quietly, वो इतनी चुपके से आया था बर्ड, and alighted so softly that she had not heard him. और वो उसको सुनाई नहीं उसको सुनाई पड़ा, वो इतनी चुपचाप आया था. I wondered what on earth had become of you. तो प्रिंसेस सितंबर बोली कि मैं इतना परेशान थी कि तुमको क्या हो गया है. I thought you'd wonder that. said the little bird. The fact is I very nearly didn't come back tonight at all. My father-in-law was giving a party and they all wanted me to stay. But I thought you'd be anxious. उसने कहा कि मैं आज रात वापस नहीं आता. I didn't come back. My father, उसके father-in-law ने, जैसे मैंने बताया था, उसके father-in-law ने पार्टी देनी थी और सब चाहते थे कि वो रुक जाए, मगर उसे यही लगा कि प्रिंसेस परेशान होगी. अंडर द सर्कमस्टांसिस दिस वॉज अ वेरी अनफॉर्चुनेट रिमार्क फॉर द लिटिल बर्ड टू मेक. और जो वो सर्कमस्टांसिस थे वो सही रिमार्क नहीं था छोटी सी वो चिड़िया के लिए देने के लिए. सेप्टेम्बर फेल्ट हर हार्ट गो थम्प अगेंस्ट हर चेस्ट एंड शी मेड अप हर माइंड To take no more risks. अब जैसे कि उसकी बहनों ने उसको समझाया था, अब प्रिंसेस सितंबर ने कोई रिस्क नहीं लिया. She put her hands. अब देखिए आप पिक्चर में देख सकते हैं कैसे वो बर्ड बैठी हुई है और प्रिंसेस डर सी गई है एकदम से. वो क्वाइटली इतना आई थी. अब देखते हैं प्रिंसेस आगे क्या करती हैं. She put her hand
and took hold of the bird. अब प्रिंसेस ने चिड़िया को पकड़ लिया. द बर्ड सस्पेक्टेड नथिंग. उस चिड़िया को कोई भी शक नहीं हुआ. एंड ही वॉज सो सरप्राइज व्हेन शी कैरिड हिम ओवर द टू द केज पॉप्ड हिम इन एंड शट द डोर ऑन हिम दैट फॉर अ मोमेंट ही कुड थिंक ऑफ नथिंग टू से बट इन अ मोमेंट और टू ही हॉप्ड अप टू द आइवरी पर्च एंड सेड व्हाट इज द जोक. अब उसने चिड़िया को केज में बंद कर दिया प्रिंसेस ने. तो वो चिड़िया एकदम से सरप्राइज हो गई हो गया. वो बर्ड एकदम से सरप्राइज हो गया. तो वो एक केज के एक उस पर आया जहाँ पे ओपनिंग होती है वहाँ पे आया. तो उसने बोला क्या ये कोई जोक है. तो प्रिंसेस सितंबर बोली देयर इज नो जोक. इसमें कोई जोक नहीं है. बट सम ऑफ मम्मास कैट्स आर प्राउलिंग अबाउट टू नाइट एंड आई थिंक यू आर मच सेफर इन देयर. उसने कहा कि यहाँ पे कुछ कैट्स या बिल्लियाँ घूम रही हैं रात को तो तुम यहाँ पे सेफ रहोगे. वेल जस्ट फॉर दिस वंस आई डोंट माइंड. अगर इसलिए है प्रिजड़िया ने बोला कि तुम मुझे मेरी सेफ्टी के लिए ऐसा कर रही हो तो आई डोंट माइंड इट. मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो लॉन्ग एज यू लेट मी आउट इन द मॉर्निंग. मुझे तुम सवेरे ज़रूर से छोड़ देना. रात के लिए प्रिंसेस ने कहा था. तो वो बर्ड बोलती है कि मुझे सुबह छोड़ देना. ही एट अ वेरी गुड सप्पर एंड देन बिगैन टू सिंग. उस चिड़िया ने रात का खाना खाया और फिर गाने लग गई. बट इन द मिडल ऑफ हिज सॉन्ग ही स्टॉप्ड. मगर अपने गाने के बीच में ही वो रुक गई. वेरी वेल सेड सेप्टेम्बर. उसने एकदम से चिड़िया ने बोला बट आई डोंट फील लाइक सिंगिंग टू नाइट. उसने कहा मेरा पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो गया है. मेरा आज गाने का मन नहीं कर रहा है. तो प्रिंसेस ने कहा वेरी वेल ठीक है गो टू स्लीप इंस्टेड. तुम सोने जा सकते हो. सो ही पुट हिज हेड अंडर हिज विंग एंड इन अ मिनट वॉज फास्ट अस्लीप. वो उसने अपने विंग्स को गैदर किया अपने विंग्स को है अपने सिर पे रखा और सो गए. सेप्टेम्बर वेंट टू स्लीप टू. सेप्टेम्बर प्रिंसेस सेप्टेम्बर भी सोने चली गई. बट वेन द ड्रॉन ब्रोक. मगर जब सुबेरा हुआ बाय द लिटिल बर्ड कॉलिंग हर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस. वो चिड़िया जगाने लग गई. वेक अप ओपन द डोर ऑफ दिस केज एंड लेट मी आउट. आई वॉन्ट टू हैव अ गुड फ्लाई वाइल द ड्यू इज स्टिल ऑन द ग्राउंड. उसने कहा चिड़िया ने वेक अप उठ जाओ प्रिंसेस सितंबर. इस पिंजरे का दरवाज़ा खोल दो. मुझे बाहर आने दो. मैं ड्यू ड्रॉप्स आपने देखा होगा सुबह जो ओस की बूंदें होती हैं वो होती हैं घास पे ज़मीन पर. तो मैं उड़ना चाहता हूँ जब ड्यू ड्रॉप्स ज़मीन पर हों. यू आर मच बेटर ऑफ वेर यू आर. तब सितंबर बोली तुम जहाँ हो वहीं पर ठीक हो. लेट मी आउट सेड द लिटिल बर्ड. इस बात पे चिड़िया बोली मुझे बाहर निकलने दो मुझे बाहर निकलने दो. एंड ही ट्राइड टू स्लिप थ्रू द बार्स ऑफ द केज. और उसने जो केज की बार्स होती हैं उनसे बाहर निकलने की कोशिश की. बट ऑफ कोर्स कुडंट. मगर वो ऐसा कर नहीं पाया. एंड ही बेट अगेंस्ट द डोर. उसके केज के दरवाजे को हिलाने लग गया. बट ऑफ कोर्स ही कुड नॉट ओपन इट. मगर वो भी नहीं खुला. देन द एट प्रिंसेसेस केम इन एंड लुक्ड एट हिम. तब आठों प्रिंसेसेस आईं उसकी बहनें प्रिंसेस सितंबर की उसकी तरफ देखा. दे टोल्ड सितंबर. उन्होंने सितंबर को कहा शी वॉज वेरी वाइज टू टेक देयर एडवाइस. उनकी सलाह लेकर उसको पिंजरे में बंद करने की उसने बहुत सितंबर ने बहुत अच्छा किया प्रिंसेस सितंबर ने. They said he would soon get used to the cage. उन्होंने कहा जल्द ही उसका आदी हो जाएगा पिंजरे में रहने का. In a few days would quite forget he had ever been free. और इस बात को भूल भी जाएगा कि वो कभी आज़ाद था या हुआ था. The little birds said nothing at all while they were there. But as soon as they were gone, he began to cry again.
उनके रहने तक तो वो बर्ड कुछ नहीं बोला। उसके बाद जब सब बहनें चली गईं 3 सितंबर की, तब वो कसकस के रोने लग गया, लेट मी आउट लेट मी आउट, मुझे बाहर निकलने दो मुझे बाहर निकलने दो। डोंट बी सच एन ओल्ड सिली, तो सितंबर प्रिंसेस सितंबर बोली कि इतने डोंट बी सिली, आई पुट यू इन द केज बिकॉज आई एम सो फॉन्ड ऑफ यू, मैंने तुम्हें केज में इसलिए रखा है क्योंकि मैं तुमको बहुत पसंद करती हूँ। आई नो व्हाट्स गुड फॉर यू मच बेटर देन यू डू योरसेल्फ, मुझे पता है तुम्हारे लिए क्या अच्छा है, तुमसे ज़्यादा अच्छी तरह मुझे पता है कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है। सिंग मी अ लिटिल सॉन्ग एंड आई विल गिव यू अ पीस ऑफ शुगर, मेरे लिए तुम एक अच्छा सा गाना गाओ, छोटा अच्छा गाना गाओ और मैं तुमको एक टुकड़ा चीनी का दूंगी। बट द लिटिल बर्ड स्टूड इन द कॉर्नर ऑफ द केज लुकिंग आउट एट द ब्लू स्काई एंड नेवर सैंग अ नोट, मगर वो एक कोने में पिंजरे के बैठ बाहर देखता रहा आसमान को, नीले आसमान को, और एक भी गाना या एक भी लाइन नहीं गई गाने की। What's the good of sulking? Why don't you sing and forget your troubles? अब इसने कहा प्रिंसेस सितंबर ने कि तुम गाना क्यों नहीं गा रहे हो, तुम सारी मुसीबतों को भूल जाओ और गाना गाओ। How can I sing? इस बात पे चिड़िया बोली मैं कैसे गाना गाऊँ, I want to see the trees and the lake and the green rice growing in the fields, मैं पेड़ों को देखना चाहता हूँ, तालाब को देखना चाहता हूँ, खेतों में मैं चावल उगता हुआ देखना चाहता हूँ। I'll take you out every day. तब प्रिंसेस सितंबर बोली मैं रोज़ तुमको बाहर निकालूंगी। It's not the same thing. The rice fields and the lake and the willow trees look quite different when you see them through the bars of a cage. उसने कहा जब मैं इन सब चीज़ों को, तालाब को, ट्रीज़ को, राइस फील्ड्स को, इन सब चीज़ों को मैं केज के अंदर से देखता हूँ तो वो बहुत ही अलग है। द बर्ड वुडंट सिंग सॉन्ग एंड ही वुडंट ईट अ थिंग, वो चिड़िया न गाना गाती थी न ही कुछ खाती थी। द प्रिंसेस वॉज अ लिटिल एंक्शियस एट दिस, इस बात पे प्रिंसेस थोड़ी परेशान थी। एंड आज हर सिस्टर्स वॉट दे थॉट अबाउट इट, और उसने अपनी बहनों से पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचती हैं। यू मस्ट बी फर्म दे सेड, उन्होंने कहा तुम्हें अपना डिसीजन नहीं चेंज करना चाहिए। बट इफ यू वॉन्ट ईट ही'ल डाई, शी आंसर्ड, दे वुड बी वेरी अनग्रेटफुल ऑफ हिम दे सेड, He must know that you are only thinking of his good. मगर वो खाना ही नहीं खा रहा था बर्ड, तो उसने कहा, उन प्रिंसेस ने कहा उसकी बहनों ने कि तुम्हें उसे समझाना चाहिए कि तुम सिर्फ उसके भले के बारे में बात करे। Even if he is obstinate and dies, it will serve him right. अगर वो अपनी ज़िद पर अड़ा रहता, obstinate रहता है तो, और मर जाता है तो उसके साथ तो ऐसा ही होना चाहिए, तुम भी उससे छुटकारा पालोगी, प्रिंसेस की बहनें बोली। सितंबर डिडंट सी हाउ दैट वाज गोइंग टू डू हर वेरी मच गुड, बट दे वर 8-1 एंड ऑल ओल्डर देन शी, सो शी सेड नथिंग। मगर मैंने आपको शुरू में कहानी के बताया था प्रिंसेस अपनी बहनों में सबसे छोटी थी, इस वजह से वो ज़्यादा कुछ बोली नहीं। Perhaps he'll have got used to this his cage by tomorrow, she said. And next day, when she awoke, she cried out good morning in a cheerful voice. अगली सुबह जब प्रिंसेस उठी, उन्होंने एक बहुत cheerful, बहुत cheerful आवाज़ में बोला good morning bird को। She got no answer, मगर bird का कोई reply नहीं आया। शी जम्प्ड आउट ऑफ बेड, वो बेड से बाहर निकली एंड रैन टू द केज, और केज के पास गई। शी गेव अ स्टार्टल्ड क्राई फॉर देयर द लिटिल बर्ड ले, क्योंकि उन्होंने देखा कि वहाँ वो छोटी सी
चिड़िया जो थी वो बॉटम पे लेटी हुई थी ऑन हिज साइड विद हिज आइज क्लोज, की आंखें बंद थी एंड ऐसा लग रहा था एंड ही लुक्ड एज इफ ही वर डेड, और उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर गई है. शी ओपन्ड द डोर एंड पुटिंग हर हैंड इन लिफ्टेड हिम आउट, और उसने अपना हाथ डाल के जब चिड़िया को बाहर निकाला, शी गेव अ सॉब ऑफ रिलीफ, तब उसको थोड़ा रिलीफ मिला, फॉर शी फेल्ट दैट हिज लिटिल हार्ट वॉज बीटिंग स्टिल, क्योंकि उसे महसूस हुआ प्रिंसेस को कि वो उसका जो दिल है वो धड़क रहा है. वेक अप लिटिल बर्ड, तब वो बोली, लिटिल बर्ड, ओ लिटिल बर्ड, तुम उठो. शी बिगैन टू क्राई एंड हर टीयर्स फेल ऑन द लिटिल बर्ड, वो रोने लग गई और उसके जो आंसू हैं वो चिड़िया पे गिरे. ही ओपन्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें खोली चिड़िया ने, एंड सॉ दैट द बार्स ऑफ द केज वर नो लॉन्गर अराउंड हिम, और जब देखा कि उसके आसपास में पिंजरा नहीं है. आई कैन नॉट सिंग अनलेस आई एम फ्री, एंड इफ आई कैन नॉट सिंग आई डाई, उसने कहा कि जब तक मैं आज़ाद नहीं होता हूँ मैं गाना नहीं गा सकता, और जब तक मैं गाना नहीं गाऊँगा मैं मर जाऊँगा. द प्रिंसेस गेव अ ग्रेट सॉब, प्रिंसेस और कस के रोने लग गई. देन टेक योर फ्रीडम, तो प्रिंसेस बोली कि तुम फिर अपनी आज़ादी ले लो. आई शट यू इन अ गोल्डन केज, मैंने तुमको पिंजरे में बंद किया था, क्योंकि आई लव्ड यू, क्योंकि तुम मुझे पसंद थे. एंड वॉन्टेड टू हैव यू ऑल टू माई सेल्फ, और चाहती थी कि तुम सिर्फ मेरे पास रहो. बट आई नेवर न्यू इट वुड किल यू, मगर मुझे ये नहीं पता था कि मेरा ऐसा तुम पे बंदिश लगाने से तुम मरने का ख्याल लेकर आओगे, मर जाओगे. आई लव यू इनफ टू लेट यू बी हैप्पी इन योर ओन वे, मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी तरीके से ज़िंदगी जियो और खुश रहो. शी थ्रू ओपन द विंडो, प्रिंसेस ने वहाँ की खिड़की खोली, एंड जेंटली प्लेस द लिटिल बर्ड ऑन द सिल, और वहाँ जो विंडो सिल होता है, विंडो के आगे जो लगा हुआ स्लैब होता है उस पर चिड़िया को रखा. ही शुक हिमसेल्फ अ लिटिल, चिड़िया ने अपने आप को थोड़ा सा हिलाया. कम एंड गो एज यू विल लिटिल बर्ड, तो उसने कहा कि यहाँ से तुम जहाँ मर्जी आए जा सकते हो. आई विल नेवर पुट यू इन अ केज एनी मोर, मैं तुमको कभी भी पिंजरे में नहीं रखूँगी. आई विल कम बिकॉज आई लव यू लिटिल प्रिंसेस, तब वो चिड़िया बोली कि मैं आऊँगा क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ. एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, और जैसे इंसान अपने पेट से प्यार करता है ऐसे ही प्रिंसेस चिड़िया से प्यार करती थी, और पेट्स भी, जिनके घर में पेट्स होते हैं पेट्स भी अपने ओनर से प्यार करने लगते हैं, ऐसे ही चिड़िया भी प्रिंसेस को प्यार करने लग गई थी. तो एंड आई विल सिंग यू द लवलीस्ट सॉन्ग्स आई नो, तब वो चिड़िया बोली मैं तुम्हारे लिए सबसे खूबसूरत गाने गाऊँगी. आई शैल गो फार अवे, मैं बहुत दूर चला जाऊँगा. बट आई शैल ऑलवेज कम बैक, मगर मैं वापस आऊँगा. एंड आई शैल नेवर फॉरगेट यू, और मैं तुमको कभी नहीं भूलूँगा. ही गेव हिमसेल्फ अनदर शेक, उसने एक और शेक दिया, अपने आप को शेक किया जैसे बर्ड्स करती हैं. गुड ग्रेशियस मी हाउ स्टिफ आई एम, उसने कहा मैं कितना स्टिफ हो गया. ऐसा होता है ना कि किसी को बंधन में रखो तो वो स्टिफ हो जाता है, तो यही कहने का यहाँ पे यही मतलब है कि बंदिशों में रहने की वजह से उसकी बॉडी स्टिफ हो गई थी, वो ऐसा कह रहा था. देन ही ओपन्ड हिज विंग्स, तब उसने अपने पंख फैलाए एंड फ्लू राइट इन टू द ब्लू, और आसमान में उड़ गया. बट द लिटिल प्रिंसेस बर्स्ट इन टू टीयर्स, मगर वो राजकुमारी सितंबर रोने लग गई. फॉर इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू पुट द हैप्पीनेस ऑफ समवन यू लव बिफोर यू ओन बिफोर योर ओन. एंड विद हर लिटिल बर्ड फार आउट ऑफ अ साइट शी फेल्ट, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं या जो हमें पसंद है उसकी खुशी हमारे लिए अपनी खुशी से ज़्यादा बड़ी होती है, तो ये डिसीजन लेना प्रिंसेस सितंबर के लिए बहुत मुश्किल हो गया था.
शी फेल्ट ऑल ऑफ अ सडन वेरी लोनली। उनको एकदम से बहुत अकेलापन लगने लग गया प्रिंसेस सेप्टेम्बर को। व्हेन द सिस्टर्स न्यू व्हाट हैड हैपेंड, जब बहनों को पता लगा क्या हुआ, दे मॉक्ड हर, उन्होंने उसका मजाक उड़ाया एंड सेड दैट द लिटिल बर्ड वुड नेवर रिटर्न, और बोली वो कि वो चिड़िया कभी वापस नहीं लौटेगी। मगर वो चिड़िया वापस आई, आखिरकार वो चिड़िया वापस आई, बट ही डिड एट लास्ट एंड ही सैट ऑन सेप्टेम्बर शोल्डर एंड एट आउट ऑफ हर हैंड एंड सैंग हर द ब्यूटिफुल सॉन्ग्स ही हैड लर्नड वाइल ही वॉज फ्लाइंग अप एंड डाउन द फेयर प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड। आया उसने प्रिंसेस के हाथ पे बैठ कर खाना खाया और वो गाने जो वो उसने दुनिया घूम कर सीखे थे वो गा के भी सुनाए। सेप्टेम्बर केप्ट हर विंडो ओपन। सेप्टेम्बर प्रिंसेस सेप्टेम्बर ने अपनी एक दिन खिड़की खोली एंड नाइट सो दैट द लिटिल बर्ड माइट कम इन टू हर रूम वेन एवर ही फेल्ट इनक्लाइंड, जब भी मन करे उस चिड़िया का तो वो वापस आ जाए। एंड दिस वॉज वेरी गुड फॉर हर, सो शी ग्रू एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। प्रिंसेस सेप्टेम्बर जैसे जैसे बड़ी हुई वो बहुत सुंदर हो गई। एंड शी वेन शी वॉज ओल्ड इनफ, और जब वो शादी लायक हो गई या मैरिजेबल एज की हो गई, शी मैरिड द किंग ऑफ कंबोडिया, तब उन्होंने किंग ऑफ कंबोडिया से उनकी शादी कर दी गई। एंड वॉज कैरिड ऑन अ वाइट एलिफेंट, और एक सफ़ेद हाथी पर उनको ले जाया गया ऑल द वे ऑफ द सिटी इन विच द किंग लिव, जहाँ पे किंग रहते थे सफ़ेद हाथी पे वो बैठ के गई। बट हर सिस्टर्स नेवर स्लेप्ट विद देयर विंडोज ओपन, मगर उनकी बहनें कभी भी खिड़कियाँ खोल के नहीं सोई। सो दे ग्रू एक्सट्रीमली अगली एज वेल एज डिसअग्रीएबल, उसकी सिस्टर्स बहुत ही ज़्यादा बदसूरत हो गई थी। मैंने आपको बताया था प्रिंसेस सेप्टेम्बर दिल की बहुत अच्छी थी, और जो दिल का अच्छा होता है वो देखने में भी सुंदर होता है। तो प्रिंसेस सेप्टेम्बर अच्छी थी, ब्यूटीफुल थी, तो उनकी शादी भी एक बहुत ही बड़े किंगडम के किंग से हुई। और देखते हैं उनकी बहनों का क्या हुआ। एंड व्हेन द टाइम केम टू मैरी देम ऑफ, जब उनकी बहनों की शादी का टाइम आया, तब उनको राजा जो उनके फादर थे उनके मिनिस्टर्स को के साथ उनकी शादी कर दी गई। एक पाउंड, ये मेजरमेंट का एक टर्म होता है पाउंड, चाय के साथ, और सियामीज, जहाँ के थे सियाम की कहानी है, सियामीज कैट, सियामीज बिल्ली उनको दे दी गई और उनकी शादी कर दी गई मिनिस्टर्स के साथ। दिस स्टोरी चिल्ड्रन वॉज बाय अ वेरी फेमस राइटर सोमरसेट मॉम। I hope you all enjoyed the story. So, listen to the explanation very carefully. We'll meet in the next class. Till then, bye.